हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली। आप सभी का स्वागत है इंस्पायरिंग टीचर्स में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अपना सीरीपी शॉर्ट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट का पेपर अब नज़दीक है, आपकी फाइनली नोटिफिकेशन आ चुकी है सीटेट की। सीरीपी के मैं कुछ आपको शॉर्ट वीडियोज़ प्रोवाइड कर रही हूँ, जिससे कि आप लोगों का कम समय में एक कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी हो जाए, राइट? तो आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक की थियरी है जीन पियाजे। आज की थियरी हम लोग करने वाले हैं जीन पियाजे की, जो कि बहुत ज़्यादा, बेहद ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेपर में ज़रूर आप लोगों से इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस, 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो रेडी रखिए इस थियरी को। आपको, मुझे पता है कि आती भी होगी और कोई बात नहीं, रिविजन हो जाएगी। तो एक छोटे से रूप में इस CDP जीन पियाजे थियरी को हम अच्छे से, बेहतर तरीके से समझेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग जो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, जल्दी से सेशन को शेयर करेंगे, जल्दी से सेशन को लाइक करेंगे। जितने भी स्टूडेंट यहां पे कनेक्ट हो चुके हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सारी चीजें बेहतर हैं, वॉइस, पिक्चर क्लैरिटी, सब चीज क्लियर है? तो एक बार मुझे कमेंट्स में भी बता दें कि यस, एवरीथिंग इज फाइन। तो CDP का जो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थियरी है जीन पियाजे की, उसे कवर करते हैं। और मेरे साथ कमेंट से बने रहिएगा, एटलीस्ट पता चलता रहे कि आप लोग क्या सीख रहे हैं, कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है और आपको कितना याद है। यस, ऑल क्लियर, वेरी गुड। देखिए, जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे और इन्होंने कौन सी थियरी दी, तो उसके बारे में बताते रहिए मुझे। ये स्विट्जरलैंड बेस्ड थे, कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड बेस्ड थे। इन्हें स्विस साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, स्विस साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्विट्जरलैंड से इन्होंने एक साइकोलॉजी की थियरी बनाई। और उस थियरी का नाम क्या था, उस थियरी का नाम क्या था आप लोगों का? थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, राइट? क्लियर है इतनी बात आपको कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? अब इन्होंने अपनी थियरी के अंदर क्या बातें बताई, ये आप लोग बताइए। जीन पियाजे का कहना था कि जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो कौन है? लिटिल साइंटिस्ट हैं। लिटिल साइंटिस्ट कौन होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक, जो अपनी थियरी खुद पर खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने कोई भी चीज ढूंढनी है, रिसर्च करनी है, तो आप लोग अपनी थियरीज बनाओगे, अपने उसके बारे में ढूंढोगे, डिस्कवर करोगे। तो जो डिस्कवरी ही थी, उसी बात को उन्होंने बोला कंस्ट्रक्टिविज्म। क्या नाम दिया है? कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स रचनावाद या फिर निर्माणवाद, हम लोग बोल सकते हैं इसे, राइट? पॉइंट क्लियर? यस, नन्हे वैज्ञानिक कहा गया। और इसमें बोला कि बच्चे अपनी थियरीज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। खुद कंस्ट्रक्ट करने का मतलब है निर्माण करते हैं, उसको डिस्कवर करते हैं, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और वहीं से एक्सपीरियंस लेते हैं। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को कि जीन पियाजे ने क्या क्या बातें बताई? अब अपनी इन्हीं बातों को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर 4 stages बताई, और 4 stages के साथ साथ 3 आप लोगों को कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन की। संज्ञानात्मक संरचना या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन करें 3, और 4 stages बताइए। 4 stages आप लोग जानते हैं कि वो 4 stages कौन कौन सी हैं? SPCF, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर या संवेदी परक अवस्था, प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, राइट? सी फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, राइट?
एंड लास्ट वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल मतलब क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये चार स्टेजेस बताए जीन प्याजे ने। और थ्री कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कौन कौन से थे, थ्री कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स कौन कौन से थे अगर हम बात करें, पहला है आपका अडेप्टेशन। अभी इस अडेप्टेशन के अंदर ही यहां से दो बातें इंक्लूडेड है इसके अंदर, एक आपका एसिमिलेशन इंक्लूडेड है, ये आप लोगों को बातें याद रखनी है। और नेक्स्ट है आपका एकोमोडेशन, नेक्स्ट कौन सा है, एकोमोडेशन, राइट। देन है आपका स्कीमा, देन एक है आपका इक्विलिब्रेशन। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को रिमेम्बर रखना है, क्योंकि यहीं से आपके पेपर में इसी टर्म्स से, इतनी सारी टर्म्स से ही आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो जीन प्याजे के बेसिक हमने पढ़ा, अब इनकी सबसे पहले हम लोग ये फोर स्टेजेस को कंप्लीट करते हैं कि चार अवस्थाओं में उन्होंने क्या क्या बातें बताई हैं। जीन प्याजे की जो चार अवस्थाएं हैं, फोर स्टेजेस हैं, उनकी क्या क्या खासियत है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। पहली स्टेज कौन सी है, सेंसरी मोटर स्टेज। पहली स्टेज कौन सी है, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संवेदी परक अवस्था, संवेदी परक अवस्था। अब बताइए जिस जिसको ये सेंसरी मोटर स्टेज याद है तो उसकी क्या क्या खासियत है, ये सारी मैंने आप लोगों को कराई हुई है, ऑलरेडी कराई हुई है सीडीपी उड़ान बैच के अंदर। तो सेंसरी मोटर अवस्था के अंदर बच्चा क्या क्या करना शुरू करता है, यहाँ पर बच्चा 0 to 2 years का पाया गया है, मीन्स जन्म से लेके जो 2 साल तक की अवस्था होती है इसके अंदर बच्चा आता है। अब 2 साल तक बच्चा कितनी चीजें अपने अंदर चेंजेस लेकर आता है, ये आप लोग मुझे डिस्कस करके बताइए। 0 to 2 years तक होती है, बिल्कुल सही बात। इस अवस्था के अंदर बच्चा कैसे सीखता है, लर्न कैसे करता है, इमिटेशन के थ्रू। किसके थ्रू, इमिटेशन का मतलब क्या होता है, नकल करके उसके आसपास जो भी हो रहा होता है उस चीज को वो नकल करता है, उसको कॉपी करने की टेंडेंसी होती है, राइट, कॉपी होती है। अब इस अवस्था के अंदर जब सेंसरी मोटर की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसके सेंसेस क्या हैं, सेंसेस आर टीचर्स, बच्चे को कौन सिखाते हैं, उसकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं वही बच्चे को सिखाती हैं कि अगर बच्चा गर्म चीज पर हाथ रखेगा तो उसको गर्म सेंसेशन होगी। तो वही चीज है कि उसके जो सेंसेस हैं वो उसको बहुत कुछ सिखाते हैं इस अवस्था के अंदर, राइट, बिल्कुल। और बताइए कि और इसमें क्या बच्चा क्या सीखता है। इस स्टेज के अंत तक आते आते बच्चे के अंदर एक ऑब्जेक्ट परमानेंस की आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस को क्या कहते हैं, वस्तु स्थायित्व, राइट, बिल्कुल। कल क्लास हुई थी, क्यों नहीं हुई, बिल्कुल हुई थी कल क्लास आप लोगों की, यस। तो इस स्टेज के एंड तक आते आते बच्चे के अंदर एक वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस की वैल्यू आ जाती है। और साथ ही में रिफ्लेक्स एक्शन की अगर बात पूछे आप लोगों से कि रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है, कि आपको देखकर बच्चा वही चीज करने की कोशिश करता है, तो इस सेंसरी मोटर स्टेज की क्या है, खासियत है ये सारी की सारी, ओके। नेक्स्ट स्टेज की हम लोग यहां से बात करें, नेक्स्ट स्टेज में, नेक्स्ट स्टेज है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट स्टेज कौन सी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर क्या होता है, इस अवस्था को क्या कहा गया है, यहां से पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब इस प्री ऑपरेशन स्टेज में क्या होता है और ये स्टेज कितने वर्ष की पाई गई है, तो अगर हम लोग बात करें बच्चा 3 से 6 साल तक की उम्र में यहाँ तक होता है, 3 से 6 या 3 से 7 आप लोग लिख सकते हैं, डजंट मैटर। तो प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर क्या क्या खासियत आपको बताई गई है, यहाँ से 3 से 6 या 7 कुछ भी लिख ले एक ही बात है, राइट बताइए। अब प्री ऑपरेशन स्टेज की क्या क्या खासियत मैंने आप लोगों को बताई है। सबसे पहली चीज इसके अंदर हम लोग बात करें, प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर एक इररिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर बच्चा पलटाव नहीं कर सकता, अपलटावी होता है। अगर बच्चे को बोले कि यहां से इसको 2 × 5 या 5 × 2 कर दो तो वो बच्चा नहीं कर पाएगा, तो ये अपलटावी अवस्था मानी गई है जहां पर बच्चा पलटाव नहीं कर सकता है, राइट। और बताइए इसके अंदर सेंट्रेशन पाया गया है, बच्चा एक ही चीज के ऊपर ही फोकस कर पाता है, केंद्रीकरण, केंद्रीकरण इसको बोला गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि बच्चा सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को देखता है। अगर ये ग्लास बड़ा है और ये ग्लास छोटा है तो बच्चा सिर्फ किसे देखेगा, बड़े ग्लास को ही फोकस करेगा, तो वो सेंट्रेशन वाला पॉइंट था, एक ही अवस्था या एक ही एस्पेक्ट को वो देख रहा है। यस, बात समझ में आ गई, बिल्कुल। इरिवर्सिबिलिटी इसके अंदर और क्या कॉन्सेप्ट पाया गया है, एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट आया है। एनिमिज्म किसे कहते हैं हम लोग, जीववाद, जिसका मतलब क्या होता है, बच्चा निर्जीव वस्तु को, नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग समझना शुरू करता है। जैसे कि सपोज उसके सामने ये टेबल है, अब इस टेबल को वो क्या करेगा, इस टेबल को वो लिविंग समझने लगेगा कि जितना दर्द उसे हो रहा है उतना दर्द उसके टेबल को भी हो रहा है उसको मारते ही। तो यहां से वो कॉन्सेप्ट क्या है, एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट है। किसका, एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट है। और साथ ही में इसके अंदर बच्चा और क्या आता है, ये भाषा विकास के लिए बहुत अच्छी स्टेज और सेंसिटिव पीरियड माना गया है। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, यहाँ से भाषा विकास करता है, एंड उसी के साथ साथ इलॉजिकल थिंकिंग भी इसके अंदर पाई गई है। इलॉजिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि बच्चा यहाँ पर तर्क नहीं लगाता है, बिना सोचे समझे चीजों को सोचना शुरू कर देता है, तो वो आपकी प्री ऑपरेशन स्टेज की सारी खासियत है। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट स्टेज है आपकी, थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यहां से बात करें इस अवस्था को क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कितने टाइम पीरियड की होती है, अगर हम लोग बात की जाए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आप लोगों की 7 to 11 years तक जाती है। और इसकी क्या क्या खासियत है अगर हम बात करें कॉन्क्रीट के अंदर, तो देखो बच्चा बस वहीं से अपोजिट कर दो, यहां से कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, संरक्षण का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि बच्चा चीजों को कंजर्व करना शुरू कर देता है। देन कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज के अंदर रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि पलटावी अवस्था आ जाती है, चीजों को पलटना वो शुरू कर देता है। कॉज एंड इफेक्ट, किसका क्या कारण है, किसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसके ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा और उसका कारण क्या है, कारण और उसका प्रभाव वो समझना शुरू कर देता है बच्चा, राइट। याद आ गए, वेरी गुड, बिल्कुल, थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक यू, बिल्कुल। अब बताइए कि इसके और कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। इस कॉन्सेप्ट के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, विकेंद्रीकरण करना, विकेंद्रीकरण
विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि अब ये ग्लास बड़ा है, ये ग्लास चौड़ा है, तो बच्चा दोनों के दोनों ही एस्पेक्ट को जानेगा कि कौन सा बड़ा है, किसके अंदर क्वांटिटी कितनी आएगी, तो उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, कि दोनों चीजों के दोनों पहलुओं के बारे में समझेगा, जानने की कोशिश करेगा, दैट इज टर्म्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। और जब बच्चा सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को जानना शुरू करे कि सिर्फ ये बड़ा है, इसे में ज्यादा क्वांटिटी है, वो सेंट्रलाइजेशन होता है कि एक ही चीज को फोकस वो बच्चा कर रहा है। यहां पर ये लॉजिकल थिंकिंग लगाना शुरू कर देता है, लॉजिकल थिंकिंग लगाना वो शुरू कर देता है, बच्चा तर्क लगाना शुरू कर देता है अपने अपने माइंड के अंदर। देन इसके अंदर और क्या कॉन्सेप्ट है, जब लॉजिक लगाता है वो तो हर एक चीज के ऊपर, अब जो चीजें उसके सामने हैं, जो भी इसको जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट बोलते हैं, कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, मूर्त, जो चीजें उस बच्चे के सामने हैं उस चीजों को देखकर समझना शुरू करता है, उसके ऊपर सोचना शुरू कर देता है, दैट इज टर्म्ड एज कॉन्क्रीट थिंकिंग, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट थिंकिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्लियर हो गया यहां से। चौथी स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको क्या कहा गया है, औपचारिक या फिर अमूर्त अवस्था भी कह सकते हो, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी आप लोग कह सकते हो इस स्टेज को। अब देखिए फॉर्मल ऑपरेशनल ये 11 प्लस होता है, अगर हम लोग बात करें ये किशोरावस्था में अगर हम लोग आ गए हैं तो 11 प्लस तक के जितने भी बच्चे हैं वो इस अवस्था के अंदर आएंगे। अब यहां से अमूर्त का मतलब ही क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि जो चीजें आप लोगों के सामने नहीं है उसके ऊपर बच्चा इमेजिनेशन करना शुरू कर देता है, क्या करना शुरू कर देता है, कल्पना लगाना शुरू कर देता है, दैट इज टर्म्ड एज कल्पना लगाना वो शुरू कर देता है, तो उसे ही क्या कहा गया है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या इमेजिनेशन पावर बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। राइट, यही से बच्चा लॉजिक्स तो लगाते लगाता है, पर एक टर्म आया है इसके अंदर, इसको हमने क्या नाम दिया उसे, हाइपोडिडक्टिव रीजनिंग, जिसको और भी आप लोग क्या कह सकते हो, क्रिटिकल थिंकिंग भी कह सकते हो, क्योंकि बच्चा हर एक एस्पेक्ट को देखना और समझना शुरू कर रहा है, गहन चिंतन वो बच्चा कर रहा है, उसी बात को क्या बोला गया, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के कैटेगरी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। बात क्लियर है यहां से, सारी बातें क्लियर है, बिल्कुल यस राइट। तो उसके यही एक खासियत है जो आपके पेपर में पूछी जाती है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से जो जिस अवस्था से आते हैं पेपर में, क्वेश्चन जहां से बनता है वो आप लोगों के बता दिया है। ठीक, तो यहाँ पे भी लॉजिकल चलता रहता है, बट फर्क इतना है बस कि बच्चा यहाँ पे अमूर्त चीजों को देखता है, जो चीजें उसके सामने प्रेजेंट नहीं है उसके ऊपर सोचना वो शुरू कर देता है। इसी के बाद आप लोगों के स्टेजेस के बाद ही कुछ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स आए, और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के अंदर जीन पियाजे ने क्या क्या विचार बताए अपने। सबसे पहले उन्होंने डिस्क्राइब किया किसको, स्कीमा को। सबसे पहले उन्होंने किस चीज को डिस्क्राइब किया, स्कीमा को डिस्क्राइब किया। और स्कीमा का मतलब क्या होता है, जो आप लोगों के ज्ञान के छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं, ज्ञान के छोटे छोटे से जो टुकड़े होते हैं, स्मॉल पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, स्मॉल पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसी बात को बोला गया है जीन पियाजे ने स्कीमा को। जैसे कि सपोज आप लोगों को बताया कि ये क्या है, ये पेन है, और आपने इसका स्कीमा अपने माइंड में बिठा लिया, वो क्या है बच्चे के लिए, स्कीमा है, छोटा सा टुकड़ा है ज्ञान का। फिर बच्चा इन्हीं टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा कॉन्सेप्ट बनाता है, और उस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, कंस्ट्रक्टिविज्म के नाम से जानते हैं हम लोग। बिल्कुल, छोटे छोटे ज्ञान के टुकड़ों को बोला गया है स्कीमा, स्मॉल पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज। क्लियर, इतनी बात क्लियर है, यस। नेक्स्ट है आपका, इसमें टर्म आती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसात करना। आत्मसात क्या होता है, एसिमिलेशन इज नोन एज जब आप लोग अपने स्कीमा के अंदर, मीन्स जो मौजूदा ज्ञान है, पूर्व ज्ञान के अंदर जो आपको पहले से ज्ञान पता था,
कुछ नया ज्ञान ऐड कर देते हो, नया ज्ञान जोड़ देना, ये क्या लिखा है मैंने, जोड़ना, प्लस करना, एडिशन। जब हम लोग अपने पहले ज्ञान के अंदर कुछ नया ज्ञान जोड़ते हैं, दैट इज टर्म्ड एज एसिमिलेशन। उसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, आत्मसातकरण कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों को पहले पता था कि फोर लेग्स वाला जो एनिमल होता है वो डॉग होता है। बच्चे को एक और नया ज्ञान मिल गया कि जो चार टांगे होती हैं वो कैट की भी होती हैं। तो बच्चे ने अपने स्कीमा के अंदर दोनों ही शब्दों को जोड़ लिया, दो नए स्कीमा उसके शब्द डिक्शनरी के अंदर बन गए। तो वो क्या है, आपका एसिमिलेशन है, आपने नए ज्ञान को जोड़ा है, सम्मिलित किया है, राइट। तीसरा, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन को क्या कहा जाता है, एकोमोडेशन का मतलब होता है यहां से अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब क्या है, देखो एकोमोडेट कर रहे हो आप लोग, तो ये किस शब्द से जाता है, जब आप लोग अपने स्कीमा में मौजूदा ज्ञान में पूर्व ज्ञान के अंदर, मैंने क्या लिखा, पूर्व ज्ञान में आप लोग क्या करते हो, संशोधन करते हो। संशोधन का मतलब क्या है, पूर्व ज्ञान में आप लोग चेंजेस कर रहे हो, चेंजेस का मतलब मॉडिफाई कर रहे हो, मॉडिफिकेशन कर रहे हो, उसे क्या कहा जाता है, आपका एकोमोडेशन कहा जाता है। इन्हीं टर्म्स को आपको लर्न रखना है, इसी से ही आप लोगों का समझ में आएगा। जैसे कि आपका मौजूदा ज्ञान था कि जो चार टांगों वाला जानवर होता है वो डॉग होता है, अब उसने देखिए बिल्ली, तो अब उसमें वो डॉग नहीं कहेगा, वो क्या बोलेगा, वो कैट बोलेगा कि कैट है ये कौन है, ये कैट है। तो उसने चेंजेस कर लिया कि ये डॉग नहीं, ये कौन है, ये कैट है। तो उसने अपने ज्ञान के अंदर चेंज किया है, दैट इज टर्म्ड एज एकोमोडेशन, मॉडिफाई कर दिया उसने, क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया। ठीक, बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। ये तीनों चारों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको एक छोटी सी समरी दी है जीन पियाजे की थियरी का, बहुत छोटा सा संक्षेप दिया है, जिससे कि आप लोगों को ब्रीफ में समझ में आ जाए कि कौन सा टर्म का क्या मीनिंग है। आई होप कि आपको ये चारों के चारों स्टेजेस और ये जो तीन स्ट्रक्चर हमने पढ़े हैं वो बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गए। तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना कि येस मैम, जीन पियाजे के जो छोटे छोटे से पॉइंट्स है रिवाइज हो गए हैं, समझ में आ गए हैं। तो ये CDP के शॉर्ट्स अगर आपको हेल्प कर रहे हैं तो कॉमेंट्स में जरूर बने रहिए, एंड थैंक you so much, thank you.